एनसीपी नेता नवाब मलिक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई खुलासे किए। शाहरुख खान को मुंह बंद रखने के लिए कहा जा रहा है कि अगर वसूली पर मुंह खोला तो आर्यन और लंबा अंदर जाएगा। पूजा ददलानी को भी धमकाया जा रहा है। तो इस तरीके के कुछ दावे जो हैं वो एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए हैं और उन्होंने कहा है कि शाहरुख खान इसीलिए चुप्पी बनाए हुए हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा जो है धमकियां मिल रही हैं। हालांकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन पिछले कई समय से वो कई तरीके के दावे कर रहे हैं, जिसमें आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी ये दावे किए गए। इतना ही नहीं, समीर वानखेड़े को लेकर भी उन्होंने फिर से नए खुलासे किए। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने जो पुलिस कंप्लेन कराई थी कि उनको धमकियां मिल रही है, कोई उनका पीछा कर रहा है, उस बात को लेकर तो उन्होंने कहा कि ये साफ साफ कहा जा रहा है शाहरुख को कि अगर आपने वसूली की बात किसी से की या ये बताया कि आपसे वसूली की गई है या फिर पूजा ददलानी को, क्योंकि ये पहले भी क्लेम किया गया था कि 25 करोड़ की डील की बात हुई थी जिसको 18 करोड़ में सेटल किया गया, तो उनका ये कहना है कि अगर इस बारे में किसी को भी बताया गया तो आर्यन को और लंबा जो है जेल में रहना पड़ सकता है। तो ये जो दावे हैं वो एनसीपी नेता नवाब मलिक ने किए हैं। हालांकि ये देखना होगा कि इन दावों में कितनी सच्चाई है, लेकिन फिलहाल उन्होंने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सारी चीज़ों पर बात की और कहा कि यही कारण है कि शाहरुख खान ने चुप्पी बनाई हुई है।